अशनिया के किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहे हैं, देखिए आज इस तरह से कलौजी वलौजी बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कलौजी बनकर रखा है, बच्चे खाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अशनिया के किचन में आप सभी का स्वागत है। जितने माताएं मन भैया हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोग ना भूलें। बगल में लाल घंटी है उसको जरूर दबाएँ। तो चलिए आज बैगन की हमने कलौजी बनाने चल रहे हैं अपने किचन में। तो कोई कोई लोग इसको जैसे भरुआ भी बोलते हैं, कलौजी गांव पे ज़्यादा करके कलौजी बोला जाता है, गांव पे कोई भरुआ नहीं बोलता, उसको कलौजी बोलता है। तो चलिए एक नए तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो पे हमारे बने रहिए, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे देखते हैं कि हमारे घर में बैगन की कलौजी चार लोग खाते हैं, बहुत काफ़ी मन से खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पापा पर जैसे रहते हैं बैगन नहीं खाते, कहते गैस बनाता है, वो लोग नहीं खाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे घर बैगन जैसे है साल भर पर छः महीने पर कभी कभी जो उसका कलौजी बन जाता है। तो यहाँ पे बैगन हम ले आए हैं, सारे बैगन को नहीं बनाएंगे, जो बैगन इसमें नरम है उसी को बनाएंगे बस। तो यहाँ पे इसीलिए छोटे साइज में बैगन को मंगाए हैं, तो सरगम को बहुत ज़्यादा पसंद है कलौजी, तो यहाँ पे देखिए ले लिए हैं। उसके लिए हम क्या क्या गाँव के तरीके से बनाएंगे, गाँव में कैसे सब लोग बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे आज। यहाँ पे देखिए उसके लिए मूँगफली ले लिए हैं, मूँगफली की जगह पर आप बेसन भी ले सकते हैं, बेसन नहीं है तो चना का दाल को आप भून कर पीस लीजिए, उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं, ये देख रहे हैं आम का, ये अमचूर पाउडर है यहाँ पर लिए हैं, आप अमचूर पाउडर की जगह भरवा मर्चा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर हमने प्याज को बारी हुई बिल्कुल काट लिए हैं इस तरह से। यहाँ पे लहसुन है तो प्याज थोड़ी सी कलौजी में ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर अदरक लिए हैं, यहाँ पर धनिया पत्ती है, उसके बाद इसमें हींग डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कलौजी रखे हैं, इसको गाँव पर हमारे सब लोग जवाइन मंगरेल बोलते हैं, आप लोग इसको कलौजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने धनिया को पाउडर बनाकर इस तरह से रख लिए हैं, दरबरे पीस कर, दरबरे पाउडर इसमें पड़ता है तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो धनिया हमारा जीरा है, इसको हल्के से भून कर हमने, यहाँ पे देखिए मूंगफली को हमने इस तरह से कर लिए हैं, तो मूंगफली को हमने हल्के से भुने हैं, इसका छिलका उतार ले रहे हैं सबसे पहले। तो हम परेठा भी बनाएंगे इसके साथ में, क्योंकि इसके साथ में परेठा हो दाल चावल के साथ में वो काफ़ी अच्छा लगता है। इधर आटे को धो, देखिए इस तरह से तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको हम जला ले रहे हैं, रख देंगे। बैगन की आज भरुआ बनाने चल रहे हैं, तो बैगन को भरुआ को पहले हम क्या करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पे चाकू के सारे से हम देख लीजिए, इसमें बैगन नरम रहेगा उसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे देखिए पहले इस तरह से तोड़ ले रहे हैं, देख रहे हैं गाँव पे धान कटाई हो रहा है, तो जैसे बारिश का मौसम नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो बैगन को हम इस तरह से बीच में से हल्के से दबा के फाड़ लेंगे। इससे ये रहता है कि मालूम चल जाता है बैगन देखिए कितने काफी अच्छा है। तो इसमें जो बीज है उसको हम निकाल लेंगे। तो बैगन में जब ज्यादा बीज रहता है तो उसको तुरंत निकाल लेना चाहिए, क्योंकि बैगन का बीज जो है बहुत नुकसान करता है, पथरी भी बना देता है। जो नरम बैगन रहता है उसका बीज नहीं नुकसान करता है, देखिए इसमें टाइट वाला बीज है। तो हमारा जैसे कि आप लोग को बताना चाहते हैं कि एक और चैनल है संध्या दियाती गीत है, तो उसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, हमने उस पर गाने बनाते हैं वीडियो में। तो देखिए हमने बैगन को इस तरह से निकाल लिए हैं, तो सारे गुदे इसमें नहीं निकाले हैं, हल्के हल्के निकाल लिए हैं। बैगन को हम इसी तरह से देख रहे हैं कि साफ कर ले रहे हैं, इसमें बीज जो है देखिए इसमें नरम है बिल्कुल, तो इसमें का नहीं निकालेंगे हम, जो नरम है इसमें का बीज बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो चलिए आप लोग से फिर निकाल कर सारे बीज को हम मिलते हैं। अब इसलिए हम देख रहे हैं कि डालेंगे कड़ुए के तेल, 2-3 चम्मच इसमें डालेंगे। बड़ा देहाती बोलना है ना। सब देख रहे हैं लहसुन को दरबरे खलबट्टे में हमने कूट लेंगे पहले। तो कलौजी जब भी बनाना चाहिए वो तो थोड़ा सा लहसुन अदरक और प्याज को ज्यादा लेना चाहिए, तो इसमें हम दरबरे कूट ले रहे हैं। हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा को, जीरा डालने के बाद डालेंगे अदरक लहसुन को, अदरक लहसुन डालने के बाद इसको साथ में प्याज भी डाल लेंगे।
बस इसका हमको जो कचरीपन है इसका दूर करना है। हल्का से इसको भूनेंगे बस। आप यहीं पे जहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहीं पर मसाला डाल लेंगे। तो मसाले में क्या डालें आप लोग को पहले बता दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। तो सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालने से रहता है प्याज हमारा बहुत जल्दी से गल जाता है, तो इसमें हम नमक डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे लाल मिर्चा पाउडर 1 चम्मच छोटे चम्मच से है। अब इसको डालने के बाद तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप धनिया लिए हैं पिसी हुई, ये चम्मच से 1 चम्मच हमारा है। अब सभी को डालकर अच्छे से मिला ले रहे हैं। अब इसको डालने के बाद से यहीं पर डालेंगे अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर जैसे कम बेसी खट्टे आप खाते हो उस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम चम्मच से डाल रहे हैं, 2 चम्मच डालेंगे इसमें। तो ये जैसे देख रहे हैं आप लोग को काले कलर का ब्लैक कलर इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो घर का हमारा अमचूर पाउडर है, तो बहुत काफी पुराना है। छिलके उतार के दर्रे इसको हम पीस लिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसको डाल दे रहे हैं। तो आपको इसमें देख रहे हैं कि आपको बुझा दिए हैं, पहले अच्छे से मिला लेंगे इसको हम। इसको बनाते हैं तो पहले नमक को टेस्ट कर लीजिए इसमें से कि नमक कम बेसी कैसा है, फिर आप डाल के मिला लीजिए, उसके बाद आप बनाइए इसको। का कमेंट आया था कि जब भी वो कलौची बनाती है भरवे बैगन का चाहे कोई भी चीज का, तो उनका मसाला जो है करेही में आ जाता है। तो आपको एक नए तरीके हम बताएंगे आज, उस तरह से बनाएंगे तो आपका कभी नहीं मसाला गिरेगा। इसको देख रहे हैं मिला लिए हैं, तो प्लेट में निकाल ले रहे हैं ठंडे होने के लिए। तो धनिया पत्ती भी इसे मिला दे रहे हैं। देख रहे हैं मसाले को थोड़ी थोड़ी उठाएंगे हम। जब कढ़ाई में हम लगातार चलाने लगते हैं उसको आराम आराम से कढ़ाई में पलटना चाहिए, उसीलिए मसाले गिरने लगता है। तो इसको सभी को हम पहले भर के रख ले रहे हैं, तैयार कर लिए बनाकर भर कर। तो इसमें अब तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल को डालकर अच्छे से फैलाएंगे पहले कढ़ाई में। तो आप जैसे देख रहे हैं कि एक आपको कार्यक्रम बताते रहे बांधकर, यहाँ पे धागा हो जैसे है धागा लेनी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, चाहे जैसे देखते हैं सरपत कराता है चाहे कुछ कराता है, कोई भी चीज से आप इसको बांध सकते हैं। तो हम आपको बांध के दिखा दे रहे हैं। वैसे भी लंबे लंबे आप काट कर इसको बांध सकते हैं। एक एक इसमें रखते जाएंगे। तो कढ़ाई को हम ढक देंगे और ढककर पकाएंगे मीडियम आंच पे। खाते हैं बैगन को लोग, तो इस तरह आलू का हम बना ले रहे हैं। हम बनाकर चल रहे हैं, पहले जब तक हमारा एक कलौजी पक रहा है तब तक हम धान को फैला ले रहे हैं, क्योंकि सुबह में बहुत ज्यादा टाइम रहता है काम रहता है। तो धान को जैसे नहीं फैलाया जाएगा तो फिर कुएं से पड़ने लगेगा, सिलरी होने लगेगा, तो धान सूख नहीं पाएगा। कभी धान होगा कभी नहीं होगा धूप। तो चलिए हम फैला ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग 2-2 बोरे करके 3-3 बोरे करके धान को सुखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं काठी में उठा कर धान को ला रही है। काकी मेरा बहुत ज्यादा हेल्प करती है जब भी कोई काम करते हैं। तो एक साथ में हम लोग छत पर 2-2 बोरा पसारते हैं, क्योंकि पतला में पसारते हैं तो फैलाते हैं तो सूख जाता है जल्दी से। तो आधे हमने लोग धान इस छत पे फसल ला रहे हैं, आधे धान जैसे रहता है पुराने छत पे फैलाते हैं नए छत पे, क्योंकि वहाँ पे भी धूप आ जाता है। एक छत पर नहीं सारे धान फैला जाता है क्योंकि अच्छे से सूखता नहीं है। हाँ।
हाथ को फैला लिए थे, यहाँ पे देख रहे काफी अच्छे से कलगी हमारा बन रहा है। तो इसको बस हमको धीरे धीरे चलाना है, ज्यादा हल्के हाथ से बस इसको पलटना है। देख रहे हैं कितनी अच्छे से पका है, तो इस तरह से धीरे धीरे हमको पलट लेना है। यहाँ से काफी अच्छे से बन गया है, अब बन के तैयार है, आप लोग को दिखा भी दे रहे हैं। गर्ल्स काफी अच्छे से हो गया है दोनों तरफ से। तो इसको हम दो तीन बार पलट लिए हैं इसी तरह से। तो इस तरह से आप पलटेंगे तो आपका जैसे रहेगा बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है, आप देख सकते हैं गर्ल्स। तो इसी तरह से हम लोग पलटते जाते हैं तो इस तरह रहता है कि मसाले गिरता बिल्कुल नहीं है। और जो धागा से बांधे थे उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आप नहीं इस तरह से कर पाते हैं बार बार, तो आप इस तरह धागा से बांध देंगे तो आपका बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत काफी अच्छे से हमारा बन चुका है। तो चलिए डाल रहे हैं नीचे, आप परेठा बनाएंगे इस पर। तो कलौजी को आप उतार लिए हैं, तो हल्के से रख रहे हैं गर्म होने के लिए। छोटे हमने घोले लेंगे, अब इसको बेलन से हम बेलेंगे। तो लगा लेंगे अच्छे से। हम इसी तरह लपेट लेंगे, जैसे हमने लपेट लिए हैं आप देख रहे हैं इसको। अब इसको धीरे धीरे मोड़ेंगे पहले। तवा हमारा गर्म है तो उसको हम पहले चेक कर ले रहे हैं। बनता है चावल, बनता है दाल, बनता है, पहले अग्नि माता को चढ़ाया जाता है। ये दूसरा भी इसी तरह से बिल्कुल तैयार कर ले रहे हैं। इसको भी हम होल्ड कर ले रहे हैं, आएंगे पहले। अब यहाँ पे देख रहे हैं सभी बच्चों को हमने खाने निकाल लिए हैं, तो बच्चों जैसे खाएंगे बस कलौजी से एक एक बच्चों को इसी तरह से देते जा रहे हैं। यहाँ पे सभी बच्चों के लिए निकाल दिए हैं। तो आज का वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें आप लोग। एक वीडियो एक लाइक करके जाइए आप लोग। फिर चलिए नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ पे देख रहे हैं आलू वाला भी हमारा बन गया है।